بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمایا اور اسی سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں آخری عشرے تک پہنچا دیا۔ رمضان کا آخری عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، پوری پوری راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ آخری عشرہ رمضان کا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ویسے روایات میں آخری عشرے کو اتکم من النار قرار دیا گیا ہے، جیسے پہلے عشرے کے متعلق فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو ایسے ہی تیسرے عشرے کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی پہلے دو عشروں کے ساتھ اس عشرے میں عبادت کا اہتمام یہ انسان کو جہنم سے آزاد کرا دیتا ہے، اور اس عشرے کی اہمیت کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ رمضان کا آخر ہے، اور آخری وقت کی ہر مقام پر اہمیت ہوتی ہے، دن کے آخری وقت کی بھی اہمیت ہے،
और इंसान की ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक की भी इंतहाई अहमियत होती है। और वजह यह है कि आखिरी वक्त ये तलाफी माफात के लिए होता है कि जो कुछ अब तक कसर बाकी रही है उस कसर को पूरा करने के लिए ये आखिरी वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जो छोटे मोटे ताजिर होते हैं देहातों से अपना सामान फरोख्त करने के लिए शहर में आते हैं तो वो दिन भर अपना सामान फरोख्त करते हैं, लेकिन उनके लिए बिल्कुल आखिरी वक्त असर का वक्त और असर के बाद का वक्त इस एतबार से अहम होता है कि उन्हें अपना सामान बेचकर अब जाना है, तो इसलिए उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर होती है कि किसी न किसी तरह जो सामान दिन भर नहीं बिका है वो अब बिक जाए और मेरा जो आने का मकसद था और दिन भर का जो टारगेट था वो पूरा हो जाए। और इसीलिए हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज की अहमियत बयान फरमाई और मुख्तलिफ तरीके से असर की नमाज की अहमियत बयान फरमाई। एक हदीस में ये फरमाया कि मनफात अल असर फकअन्नमा वुतिरा अहलुहू व मालुहू, कि जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई वो ऐसा नुकसान कर रहा है जैसा कि नुकसान उस सूरत में होता है जबकि किसी शख्स के अहलो इयाल को और उसकी मालो दौलत को लूट लिया गया हो। तो यहां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के छोड़ने को मालो दौलत के खसारे के बराबर और उसके मुमासिल करार दिया, तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त में इंसान अपने मालो दौलत की फिक्र में ज्यादा रहता है, अपने माल को समेटना है या अपने माल को किसी न किसी तरह निकाल कर शहर से अपने गांव जाना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि जिस माल की हिर्स में, जिस माल को समेटने और जमा करने में और जिस माल को बेचकर फरोख्त करके नफा कमाने की फिक्र में ये असर की नमाज को जाय कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक ये मालो दौलत से के नुकसान से ज्यादा नुकसान असर की नमाज को छोड़कर कर रहा है। और इंसान की जिंदगी के आखिरी वक्त की भी इंतहाई अहमियत होती है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिसकी जिंदगी का आखिरी कलिमा जबान से निकलने वाली बात वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी इंसान के ईमान और उसके कुफ्र का फैसला अल्लाह के यहां जिंदगी के आखिरी वक्त से किया जाता है कि अगर बिल्कुल आखिरी वक्त में वो कुफ्र और शिर्क की हालत में मरता है
तो चाहे उसने पूरी जिंदगी ईमान के साथ अमल साले के साथ गुजारी हो, लेकिन आखिरी वक्त का कुफ्र ये पूरी जिंदगी के ईमान को खत्म कर देता है और वो कयामत के दिन काफिरों के साथ उठाया जाएगा। और दूसरी तरफ किसी शख्स का खातिमा ईमान पर होता है, अमल सालेह पर होता है, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, तो फरमाया कि अगर चाहे उसकी पिछली जिंदगी कुफ्र पर गुजरी हो और बुराइयों और गुनाहों में तलवीस के साथ गुजरी हो, लेकिन ये आखिरी वक्त का ईमान और आखिरी वक्त का ईमान की हालत में किया हुआ अमल सालेह इसकी पूरी जिंदगी पर कलम अफ्व फेर कर अल्लाह के यहां इसको मगफूर और मरहूम बना देता है, इसकी मगफिरत हो जाती है, ईमान वालों के साथ इसका हश्र होता है और अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए जन्नत का दाखला मुकद्दर फरमा देते हैं। तो आखिरी वक्त की हर मामले में इंतहाई अहमियत है, इस एतबार से कि आखिरी वक्त अब तक जो कसर बाकी रही है, अब तक जो कोताहियां हुई हैं, उन कोताहियों को दूर करने, उसकी भरपाई करने का वक्त होता है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का जब आखिरी जमाना आया तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आपको हुक्म दिया गया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, क्या आप अब अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब की तारीफें कीजिए और अपने रब से इस्तिगफार कीजिए। यहां अगरचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का कोई तज़किरा नहीं था, लेकिन जिन हजराते सहाबा ने शरीयत के मिजाज को समझा था और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशे को समझते थे, वो इस सूरत के नाजिल होने पर बहुत गमगीन हो गए, फिक्रमंद हो गए, रोने लगे और समझ गए कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ रहा है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है तस्बीह का, तहमीद का, इस्तिगफार का। और रिवायात में हमने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो आखिरी अशरे का एतकाफ फरमाते थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी रमजान था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय एक अशरे के दो अशरे का एतकाफ फरमाया। तो हदीस के शारहीन ने यहां इसकी बहुत सी वजूह लिखी है, तो वहीं उसकी एक वजह यह भी थी कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी रमजान था और आपको इशारों में यह बतला दिया गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर इबादत में इजाफा कर दिया था, क्योंकि ये जिंदगी का आखिरी साल और आखिरी साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी रमजान था, जिब्राइल अमीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मर्तबा कुरान मजीद का दौर फरमाया, हालांकि इससे पहले एक ही मर्तबा दौर फरमाते थे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था।
तो मकसद ये है कि जिंदगी का आखिरी हो, दिन का आखिरी वक्त हो या किसी भी काम का आखिरी लम्हा हो, तो अकली एतबार से भी उसकी इंतहाई अहमियत होती और शरीयत की नज़र में भी आखिरी अवकात की इंतहाई अहमियत होती। हत्ता के हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि इन नमल आमाल बिल खवातीम, के आमाल में आखिरी अमल पर एतबार होता है। तो इसलिए रमज़ान का आखिरी अशरा, रमज़ान का आखिर होने की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल। लेकिन वाकिया ये है, मुशाहदा ये है कि उमूमन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जब अखीरी अय्याम रमज़ान के शुरू हो जाते हैं तो लोगों का जोश व खरोश ख़त्म हुआ नज़र आता है। मस्जिदों की जो रौनक रमज़ान के शुरू में होती है, रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद की वो रौनकें ख़त्म हो जाती। बहुत से लोग जो रमज़ान के शुरू से तरावी का, नमाज बाजमात का, कुरान मजीद की तिलावत का, जिक्र का एहतमाम कर रहे होते हैं, मालूम नहीं आखिरी अशरा आते आते उनमें ऐसी तकान पैदा हो जाती या वो ऐसे सुस्त हो जाते हैं कि ये सब मामूलात तकरीबन उनके छूटने लगते हैं। तरावी में भी कोताहियां होने लगती हैं, नमाजों के अहतमाम में भी कोताहियां होने लगती हैं, हत्ता के मस्जिद आधी खाली नजर आती है और ऐसा महसूस होता है कि रमज़ान ख़त्म हो गया। हालांकि अकली एतबार से और शरई एतबार से रमज़ान का आखिर होने की वजह से शुरू रमज़ान के भी मुकाबले में इन आखिरी अय्याम की इंसान को ज्यादा कदर करना चाहिए। और अब तक जितनी भी कोताहियां हुई हों, रोजों के एतबार से, तरावी के एहतमाम के एतबार से, नमाज बाजमात के एतबार से, दुआ और मुनाजात के एतबार से, जिक्र तिलावत के एतबार से, होना यह चाहिए कि इन तमाम कोताहियों की तलाफी और उसका तदारुक और जो कुछ भी अब नहीं हो सका है वो सब कुछ करने की कोशिश इन आखिरी अय्याम में करना चाहिए। लेकिन जितनी अहमियत है, वाकिया ये है कि हमारे मुआशरे में उतनी ही गफलत है और वजह यह है कि एक ही रास्ते से हम दीन की मेहनत कर रहे हैं। वरना जिन इलाकों में हर एतबार से दीन की मेहनतें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां अगर आप जाकर देखें तो आखिरी अशरे में पूरी मस्जिद पूरे अशरे के लिए दिन हो या रात हो भरी हुई नजर आती है। पूरे अशरे का लोग एतकाफ कर रहे हैं और एतकाफ करने वालों की मकदार इतनी है जितनी की मस्जिद की मकदार है, यानी मस्जिद का पूरा जमात खाना वो एतकाफ करने वालों से भर जाता है। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हमने एक ही रास्ते से दीन की मेहनत को समझा, उसी रास्ते से हमको दीन मिला और उस रास्ते में जाहिर है कि कमी और कोताहियां हैं, तो उसी कमी और कोताहियों के साथ हम अपनी शरीयत पर अमल पैरा हो रहे हैं। जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के अलावा कोई भी मेहनत इतनी जामे नहीं हो सकती
इतनी कामिल नहीं हो सकती जितना जामे और जितना कमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत में था। लेकिन उसके बाद जब दीन की मेहनतें तकसीम हुई तो किसी भी दीन की एक मेहनत को इंतहाई जामे समझना, उसको कामिल तसव्वुर करना और उसको अपनी दीन और शरीयत के तहफ्फुज के लिए, उसकी इशाअत के लिए और उसकी तबलीग के लिए काफी समझना, वाकिया यह है कि यह सीरत नबुविया से नावाकिफियत का नतीजा है और यह शरीयत के मामले में बेजा गुलू है या दीन के मामले में बेजा किस्म का जुमूद है, एक किस्म का तातुल है। तो इसलिए जरूरत है और बार बार कहा जाता है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का मुकम्मल बसीरत के साथ मुताला करें। और आज तक दीन के ताल्लुक से जितनी मेहनतें हुई हैं और जिन जिन लोगों की तरफ से हुई हैं, उन तमाम मेहनतों को सामने रखकर फिर अपने दीन और शरीयत का जायजा लें तो पता चलेगा कि जिस बात को हम जितना काफी समझ रहे हैं, वाकिया यह है कि उसमें इतना ही नक्स है, उसमें इतनी ही कमी। दीन की कोई भी मेहनत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हुई है वो तनकीद से बालातर नहीं है। किसी भी मेहनत को ये समझना कि ये तनकीद से बालातर है, इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, तो वाकिया ये है कि उसको शरीयत का कोई इल्म नहीं है, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई वाकफियत नहीं है। तो बहरहाल शरीयत ने रमजान के आखिरी अशरे को जो अहमियत दी है वो इस बुनियाद पर दी है कि वो रमजान के आखिरी अय्याम है, रमजान का आखिरी अशरा है और जो बरकतों, रहमतों, मगफिरतों और अल्लाह की रजा को हासिल करने का महीना अव्वल रमजान से शुरू हुआ था और इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें जो आमाल दिए गए थे, अब जरूरत है कि रमजान के जाने से पहले पहले अब तक जितनी कोताहियां इन आमाल में हुई हैं उन आमाल का हम तदारुक करें, दिन रात एक कर दें और पूरी इस बात की कोशिश हो कि रमजान की जो रहमत मिलना चाहिए, जिस मगफिरत का मैं मुस्तहिक होना चाहिए और जिस आग से आजादी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, किसी न किसी तरह अल्लाह करे कि मैं उसका मुस्तहिक बन जाऊं, तो पूरे दिलो जान से अपने लगा देने वाले अय्याम ये चल रहे हैं, न ये कि गफलत के साथ गुजारने वाले अय्याम चल रहे हैं। और आखिरी अशरे की अहमियत इन दो वजहों के अलावा इस बुनियाद पर भी है कि ये लैलतुल कद्र के सवाब को पाने का अशरा है, क्योंकि लैलतुल कद्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मजमुए से ये बात मालूम होती है कि आखिरी अशरे में उसके होने का ज्यादा इम्कान है और खास तौर पर आखिरी अशरे की ताक रातों में उमूमन लैलतुल कद्र होती है। और लैलतुल कद्र की कितनी अहमियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लैलतुल कद्र का अल्लाह की तरफ से इल्म दिया गया तो हमने रिवायात में सुना
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र को पाने के लिए पहले साल पूरे अशरे का एहतिकाफ फरमाया था। पहले अशरे का एहतिकाफ फरमाया, फिर दूसरे अशरे का एहतिकाफ फरमाया, और उस एहतिकाफ को आप खत्म करने जा रहे थे कि आपको बतलाया गया कि लैलतुल कद्र वो आखिरी अशरे में होगी। तो आपने अपने एहतिकाफ को जारी रखा और सहाबा को तरगीब दी कि वो अपने एहतिकाफ को बाकी रखें कि लैलतुल कद्र का आखिरी अशरे में होने का ज्यादा इम्कान। तो एहतिकाफ का गोया बुनियादी मकसद भी लैलतुल कद्र को पाना, जैसे उसका बुनियादी मकसद वो है जो अव्वल बयान किया गया कि ये रमजान का आखिर है। तो एहतिकाफ में इंसान इसलिए होता है ताकि उसकी उसके आखिर की जितनी कद्र करना चाहिए किसी न किसी दर्जे में एहतिकाफ की हालत में उसकी कद्र हो जाती। तो लैलतुल कद्र की वजह से भी अशरे अखीर का इंतहाई एहतमाम हमें करना चाहिए। कि लैलतुल कद्र के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर, कि लैलतुल कद्र की इबादत वो हजार महीनों की इबादत से बढ़कर है। और हजार महीने यानी 83 साल 4 महीने, जाहिर है कि उमूमन इंसान की इतनी जिंदगी भी नहीं होती। और अगर 83 साल कोई जीता भी है तो 15-20 साल तो उसके बचपन में लाउबालीपन में गुजर जाते हैं और बहुत से अय्याम और महीने बीमारियों में और माजूरी के जमाने में गुजर जाते हैं। और इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं होता कि अगर उसको पूरी 83 साल की उम्र मिल गई तो उसका एक एक लम्हा और उसका एक एक दिन वो अल्लाह की इबादत में खर्च कर दे। लेकिन यह अल्लाह तबारक व ताला का फजल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आपकी अजमत की वजह से अल्लाह ने आपकी उम्मत को ये एक सहल नुस्खा अता फरमा दिया कि महज एक रात की इबादत करके वो 83 साल 4 महीने इबादत का सवाब पा सकता है। तो इन अखीरी अशरे की हर रात में लैलतुल कद्र के होने का इम्कान होता है। तो इसलिए रात हो या दिन हो, गोया हमें इसी तसव्वुर के साथ ये आखिरी अय्याम गुजारना चाहिए कि हो ना हो यही रात लैलतुल कद्र होगी। इसीलिए किसी की तरफ से कहा गया और बहुत अच्छी बात कही गई कि आखिरी अशरे में इंसान को चाहिए कि वो हर इबादत को अंजाम दे और इस नीयत से अंजाम दे कि हो ना हो यही रात लैलतुल कद्र होगी। मसलन कम से कम वो हर रात को 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले तो गोया 83 साल तक मुआजबत के साथ दवाम और इस्तिमरार के साथ उसको 2 रकात पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। हर रात वो 1 रुपया सदका कर दे इस उम्मीद पर कि हो ना हो यही रात लैलतुल कद्र है, तो जाहिर है कि अगर लैलतुल कद्र होगी तो 83 साल तक उसको 1-1 रुपया सदका करने के बराबर सवाब मिल जाएगा। हर रात वो एहतमाम के साथ दुआ कर ले, हर रात को वो एहतमाम के साथ कुरान मजीद की कुछ तिलावत कर ले, हर रात एहतमाम के साथ अल्लाह तबारक व ताला का कुछ जिक्र कर ले, जाहिर है कि ये सब मामूली इबादतें हैं, लेकिन इन मामूली इबादतों को एहतमाम के साथ और इस उम्मीद पर कि हो ना हो यही रात लैलतुल कद्र है,
तो अव्वलन तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात बड़ी रहीम है, वो हमारी कदरदानी ही के नतीजे में हो सकता है कि वो हमें रमज़ान की रहमतों, बरकतों और लैलतुल कद्र के फ़ज़ाइल का मुस्तहिक बना दे। और अगर इस एहतमाम के साथ ये अशरा गुजर रहा है और किसी रात को लैलतुल कद्र हो गई, तो फिर तो जाहिर है कि अल्लाह की तरफ से हमें उस लैलतुल कद्र में इबादत करने का पूरा सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आखिरी अशरा ये गफलत के साथ गुजारने का नहीं है, मस्जिद की रौनक को बढ़ाने के बजाय बाजारों की रौनक को बढ़ाने का वक्त नहीं है। और गपशप में अपने औकात गुजारने के बजाय हमें चाहिए कि हम हर लम्हा कुछ जिक्र व तिलावत में अपने आप को मशगूल रखें और किसी न किसी तरह कोशिश करें कि हमारा एक लम्हा भी आखिरी अशरे का जाए ना हो। और हम तसव्वुर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के रोजे के जो जो फजाइल बयान किए हैं, उन फजाइल का हम थोड़ी देर के लिए इस्तेहजार करें और जब अपना रोजा शुरू करें तो उस वक्त नियत भी कर लें और अल्लाह से दुआ भी कर लें कि अल्लाह तबारक व ताला इस तरह का रोजा मुझे नसीब फरमाए और वो नतीजा उस पर मुरत्तब फरमाए कि जिस नतीजे के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। मसलन अल्लाह के रसूल ने रमजान के रोजे के मुतालिक फरमाया कि मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, कि रमजान का रोजा ये पिछले गुनाहों की मगफिरत का जरिया है। तो हम रोजा शुरू करते वक्त इसका इस्तेहजार कर लें नियत में और अल्लाह से दुआ भी कर लें कि अल्लाह मेरा ये रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मगफिरत का जरिया बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान ने यह कहा कि रोजे का मकसद है तकवा पैदा करना, इंसान को मुत्तकी और परहेजगार बनाना, उसको उसके अंदर गुनाहों से बचने की सलाहियत और इस्तेदाद और कुदरत पैदा करना। तो हम अपने रोजे के साथ ये नियत कर लें और अल्लाह से दुआ भी कर लें कि अल्लाह मेरे रोजों को तू वाकई मेरे मुत्तकी होने का जरिया बना दे। अल्लाह के रसूल ने रोजे के मुतालिक फरमाया कि असियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है गुनाहों से भी और रोजा ढाल है जहन्नम से, जहन्नम की आग से भी। तो हम जरा इसका इस्तेहजार कर लें, अपनी नियत को ताजा कर लें और अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह मेरे इस रोजे को तू वाकई वो ढाल बना दे जिसका तूने अपने नबी के कलाम में जिसका तूने तज़किरा किया और जिसकी तूने हमको बशारत दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजे के मुतालिक कि अल्लाह फरमाते कि हर अमल का बदला तो मैं फरिश्तों के जरिए दिलवाता हूं, लेकिन रोजा असौमुली व अना अजजी बिही, के रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला देता हूं। तो हमें चाहिए कि हम नियत कर लें और अल्लाह से दुआ भी कर लें कि अल्लाह तू मेरे इस रोजे को अपना रोजा बना ले और इस काबिल बना दे कि तू खुद हमें इस रोजे का सिला दे और जिसके नतीजे में हमको तेरी रजा नसीब हो जाए। तो जरूरत है दोस्तों कि हम हर एतबार से जिससे जो भी इबादत हो सकती हो, दिन हो रात हो, हम कोई कसर न छोड़ें और इस आखिरी अशरे के एक एक लम्हे लम्हे की जितनी हमसे कद्र हो सकती है हम जरूर कद्र करें। और उससे भी अहम बात यह है कि हम अपने आप को पूरे रमजान में तो सही, लेकिन खास तौर पर इस आखिरी अशरे में गुनाहों से जरूर बचाएं।
कोई भी गुनाह, चाहे वो दोस्तों हमारी नजर में छोटा हो, लेकिन कभी अल्लाह की बारगाह में वो इतना संगीन गुनाह होता है कि इंसान की बदकिस्मती के और उसके जहन्नमी होने के फैसले महज एक छोटे से गुनाह की वजह से हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी ईमान वाले को किसी गुनाह की जुरात इस बुनियाद पर नहीं करना चाहिए कि ये गुनाह तो बहुत मामूली, या इस बुनियाद पर किसी गुनाह की जुरात नहीं करना चाहिए कि अल्लाह की जात तो गफूर है, रहीम है, तोबा का दरवाजा तो खुला है। नहीं, तोबा की तौफीक भी अल्लाह ही की तरफ से मिलती और मगफिरत का इस्तेहकाक भी अल्लाह की तरफ से तय होता। कोई जरूरी नहीं कि आज मैं कोई गुनाह कर रहा हूं तो कल अल्लाह मुझे तोबा की भी तौफीक दे दे। बहुत से लोग हैं कि जो इसी उम्मीद पर गुनाह करते रहे लेकिन अखीरी जमाने तक, मौत तक उनको तोबा की तौफीक नहीं मिली, और उन गुनाहों की नहुसत का नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनका ईमान पर खातिमा नहीं हुआ। तो रमजान और रमजान का आखिरी अशरा जहां नेकियों के सवाब को बढ़ाता है, वहीं गुनाहों के वबाल को भी ज्यादा कर देता है। और ये अल्लाह की रहमत है, लैलतुल कद्र को जो अल्लाह तबारक व ताला ने मख्फी रखा और उसको तायुन के साथ बताया नहीं कि वो कौन सी रात लैलतुल कद्र है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से एक हिकमत और मसलिहत ये भी है कि अगर कोई बदबख्त और कोई शकी और अपनी किस्मत का मारा और अल्लाह का दुश्मन ये जानते हुए कि ये लैलतुल कद्र है और फिर वो गुनाह करेगा, तो फिर उसकी बदकिस्मती में और उसके अल्लाह के यहां शकी होने में किसी तरह का कोई उज्र बाकी नहीं रहेगा। तो कई एतबार से दोस्तों आखिरी अशरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें अल्लाह तबारक व ताला से दुआ भी करना चाहिए कि जो कुछ अब हुआ है अल्लाह उसको कबूल फरमाए, जो कुछ भी कोताहियां हुई हैं अल्लाह उसको माफ फरमाए। और आखिरी अय्याम चल रहे हैं तो जान तोड़ कोशिश करके हम अपने आप को अल्लाह की मग़फ़िरतों का, रहमतों का और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रजा का मुस्तहिक बना लें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए और हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।